कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही काम की टिप्स एंड ट्रिक, वो है चाय छन्नी को कैसे साफ करें। छन्नी सभी के घर में बहुत गंदी हो जाती है, यानी मैं स्ट्रेनर की बात कर रही हूँ। स्ट्रेनर जिससे हम चाय छानते हैं वो बहुत धीरे धीरे करके गंदे हो जाते हैं। जब नए खरीद कर आते हैं बड़े चमचमा रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसका यूज करने लगते हैं और रोजमर्रा में वो धीरे धीरे उसमें चाय पत्ती भरती जाती है और वो जमती जाती है और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ब्लॉक से हो जाते हैं। तो उनको किस तरीके से आप साफ करें, जनरल स्क्रबर से हम रगड़ते हैं तो उतने साफ हो नहीं पाते, लेकिन आज मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ उससे आपकी चाय छन्नी बिल्कुल नई हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने दो चाय छन्नी ली है, एक ही प्लास्टिक वाली है और काफी गंदी हो रही है। ये देखिए पूरा जम रहा है इसके ऊपर चारों तरफ। इस टाइप से सभी के घर में ज्यादातर छन्नी यही कंडीशन हो जाती है। ये मैंने स्टील वाली जो चाय छन्नी होती है, ये देखिए कितनी गंदी है। अगर मैं अपना हाथ भी आपको दिखाऊं तो उसमें दिख नहीं रहा, पूरा भर गया। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए काफी गंदी हो रही है। हम इसको साफ करेंगे और वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्लास्टिक की छन्नी और स्टील की छन्नी आप कैसे साफ करें। हमें इसके लिए कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल, इस टाइप का कोई भी स्टील का या कांच का आप बोल ले लीजिए, और उसमें हम चाय छन्नी को इस तरह से रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टील के बोल में चाय छन्नी एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दी है। अब हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा, यानी खाना सोडा। ये वही खाना सोडा है जो हम घर में खाने की चीजों में यूज करते हैं, समोसा बनाने में, कचौड़ी बनाने में, या पकौड़े बनाने में, या किसी भी बेकिंग वाली चीजों में हम खाने सोडे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी। बहुत ही आसानी से और सस्ते में ये मिल जाता है, तो ये हमें थोड़ा सा चाहिए होगा। और एक हम लेंगे बोल इस टाइप का। तो सबसे पहले हम बोल में खाना सोडा डालेंगे 2 चम्मच। अब इस खाना सोडे का हम पेस्ट बनाएंगे, तो मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 1 चम्मच पानी। गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक लीजिए पुराना टूथब्रश और इस टाइप का एक घोल तैयार कर लीजिए पेस्ट जैसा, ये देखिए इस तरीके का। अब स्टील वाले बोल में या किसी भी बोल में आप छन्नी को इस तरह रखिए और इस पेस्ट को हम पूरे में लगा देंगे। बेकिंग सोडा बहुत ही बढ़िया नेचुरल क्लींजर होता है, इससे टफ से टफ बहुत ही जिद्दी दाग वगैरह सब चले जाते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बेकिंग सोडा की मदद से कुकर वगैरह क्लीन करना बताया है और काफी सारे होममेड क्लीनर भी पहले मैं बना चुकी हूँ बेकिंग सोडा विनेगर से, बहुत ही काम की चीज। आप मेरे दिवाली क्लीनिंग के वीडियो देख सकते हैं, वहां भी मैंने बेकिंग सोडा का बहुत यूज बताया है और कितनी चीजें उससे मैंने क्लीन की हैं। तो इस तरीके से हम पूरे में लगाएंगे और थोड़ा रगड़ेंगे और आप देखेंगे इसी से ही धीरे धीरे करके ये पूरा क्लीन होने लगेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा सारे चाय के स्टेन्स को हटा देता है। और इससे पहले मैंने क्रॉकरी भी आपको दिखाई थी कि कप में जो चाय के निशान पड़ जाते हैं अंदर, उनको भी आप बेकिंग सोडा से कितनी आसानी से हटा सकते हैं, आप मेरी किचन टिप्स वाले वीडियोस में देख सकते हैं। और थोड़ी देर हम इस तरीके से छोड़ेंगे इसको लगाकर। इसी तरीके से मैं प्लास्टिक वाली छन्नी को भी क्लीन कर लेती हूँ। सारे में हम इस पेस्ट को लगाएंगे बेकिंग सोडा वाले को। तो इस तरीके से दोनों पे मैंने बेकिंग सोडा लगा लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब हमें जरूरत पड़ेगी व्हाइट विनेगर, यानी सफेद सिरके की, जो इससे पहले भी मैंने सारे होममेड क्लीनर्स में इसका यूज किया है। और मैंने सफेद सिरके का बनाने का घर में बहुत ही आसान तरीका बताया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने होममेड विनेगर बताया है कि आप सिर्फ एक ही चीज से घर में ही सफेद सिरका बना सकते हैं और वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे व्हाइट विनेगर। ये वही व्हाइट विनेगर है जो आप चाइनीज खाने में भी यूज करते हैं और किसी भी जनरल स्टोर, किसी पंसारी की दुकान, किसी पर भी इजीली मिल जाता है। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव ये डीग्रीजर होता है। और ये देखिए
ये बबल्स इसमें इसलिए आए क्योंकि बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके ये डर्ट को क्लीन करता है, उसके रिएक्शन से इस टाइप के बबल्स निकलते हैं। तो हम इसको पूरा भर देंगे इस तरीके से जहां तक स्टेन्स हैं। ये देख सकते हैं आप कितना इसमें शार्प बबलिंग हो रही है। ये पूरी डर्ट को कट करेगा। अब हम एक घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। अगर आपकी चाय छन्नी बहुत बहुत ज्यादा गंदी है तो आप ये काम ओवरनाइट कर सकते हैं। रात को आप साफ कीजिए बेकिंग सोडा से और विनेगर में डिप करके पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आप उसको साबुन से धोकर के क्लीन कर लीजिए। तो इसी तरीके से मैं एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। मैंने कटोरी यहाँ पर इसलिए ली क्योंकि इसमें हमारा विनेगर वेस्ट नहीं हुआ, दोनों एक साथ डिप हो गई और यही पोर्शन ज्यादातर गंदा होता है तो हम इजीली इस तरीके से डिप करके क्लीन कर सकते हैं। किसी बॉक्स में फिट करते या कहीं और लगाते तो ज्यादा विनेगर हमें डालना पड़ता और वेस्ट भी हो जाता, तो हमें मेन यही पोर्शन क्लीन करना है। इसको हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं और हमें लगभग उतना डिप करना होगा दोनों छन्नियों को कि पूरी तरह से ये डूब जाए और ये क्लीन हो जाए। एक घंटे के करीब लगभग हो चुका है तो मैं चेक कर लेती हूँ कि ये कितनी साफ हुई है। अगर मैं इनको ओवरनाइट छोड़ती तो शायद ये और ज्यादा क्लीन हो जाती। तो लेट्स चेक। वाओ, ये देखिए किस तरीके से इसकी कारोज और ये जो इसके अंदर पूरी चाय पत्ती भरी हुई थी पूरी लाइनों में, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये क्लीन हो गई है। और अभी हम इस पे थोड़ा सा और इस पर डिश जेल लगा करके रगड़ेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी है वो भी सारा निकल आएगा। विनेगर की वजह से इसमें चमक आ गई है और सारी ग्रीस डर्ट सब इसमें से निकल गई है। इसी तरीके से मैं दूसरी चलनी भी चेक कर लेती हूँ। आप प्लास्टिक वाली भी देख सकते हैं, हल्का फुल्का अंदर जो रह गई है थोड़ी सी, उसको भी हम रगड़ेंगे तो निकल जाएगी। अगर मैं यही ओवरनाइट रखती तो ये और भी ज्यादा क्लीन हो जाती। तो ये काफी हद तक क्लीन हो गई है। इसका पूरा येलो पार्ट आप देखिए पूरा चमचमा रहा है, अंदर से भी ये क्लीन हो गई है। तो अब मैं दोनों को ही थोड़ा सा डिश जेल डालूंगी और क्लीन कर लूंगी। तो पहले एक डिश जेल लेंगे या आप कोई भी साबुन ले सकते हैं बर्तन धोने वाला, इस पे हम डालेंगे और ब्रश की मदद से इसको जो थोड़ा बहुत भी इसमें रह गया है उसको भी क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से, अच्छी तरीके से। तो मैं अब इसको अच्छी तरीके से एक बार स्क्रबर से रगड़ के और इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने पूरी पानी से धो ली है, कितनी नई हो गई है, विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतनी साफ हो गई इतने बढ़िया से। तो ये दिया है इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ये पूरा जो थोड़ा बहुत भी था आप वो सब भी निकल गया, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब इजीली हम चाय छान सकते हैं, बिल्कुल रुकेगी नहीं, एकदम साफ हो गई। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसी तरीके से जो प्लास्टिक वाली है वो भी हम क्लीन कर लेंगे। इस पर भी थोड़ा सा डिश जेल डालेंगे और इसको भी अच्छे से रगड़ लेंगे। देखिए कितनी साफ हो चुकी है, ये जो पीछे इसमें जम रहा था सारा क्लीन हो गया है। तो देखिए इस तरीके से ये जो साइड वाली रह गई है, मैं स्क्रबर से साबुन लगा करके या डिश जेल लगा करके आप रगड़ लें, बिल्कुल काफी हद तक ये क्लीन हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार क्लीन हो जाने के बाद डेली इसी तरीके से साबुन से सही से साफ करेंगे तो हमेशा आपकी छन्नी बिल्कुल क्लीन रहेंगी। या महीने में एक दो बार आप विनेगर में डिप करके रख दें तो वो क्लीन बनी रहेंगी। जो पानी बचा हुआ है विनेगर का, इसको भी फेंकने की आपको जरूरत नहीं है। इससे आप किचन की टाइल्स वगैरह क्लीन इजिली कर सकते हैं या आप किचन का सिंक में आप इसको डाल करके रगड़ दें, इस पानी को बिल्कुल सिंक आपका स्टील का चमचमा जाएगा। और ये लीजिए, मैंने दोनों ही छन्नी को अच्छी तरीके से धो लिया है पानी से और आप खुद देख सकते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जरा देखिए इसको। ये वही छन्नी है पीली वाली जो हमने डिप की हुई थी और चारों तरफ इसमें पत्ती भरी हुई थी। मैंने स्क्रबर से इसको साबुन लगाकर स्क्रब किया हल्के हाथ से क्योंकि प्लास्टिक की है, और उसके बाद इस तरह से दो तीन बारी टैप किया,
इसके अंदर जितना भी भरा हुआ था विनेगर की वजह से वो हल्का पड़ चुका था, फूल गया था, सारा पत्ती निकल गई। और देखिए ये कितनी क्लीन हुई है। और ये देखिए ये तो बिल्कुल ही नई हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चमचमा रही है। और दोनों में से ही आप मेरा हाथ देख सकते हैं, अब कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। इसी तरह हल्की गीली है, ये सूख जाएगी। और ये भी देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है मेरे सारे किचन टिप्स में, होममेड क्लीनर्स में या क्लीनिंग वीडियोस में कि मैं आपको बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। मैं घर पर इसके लिए काफ़ी रिसर्च भी करती हूं कि किस तरीके से हम बेस्ट और आसान तरीके से चीज़ों को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी और आप भी इस ट्रिक को अपना कर अपनी चाय छन्नी को बिल्कुल साफ कर लेंगे। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।